अरे लाला, ये किंग क्या बोला रे इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल के लिए। अरे आप छोड़िए ना, विदाउट लेबल 10 साल से रेलेवेंट है अपन। ये लेबल वाले सब चूतिए साले, समझते क्या अपने आपको? आप अपने लेबल वालों को छोड़ के। हाँ तो लाला, ये लेबल के सब साले खजुए लोग लेबल से सैलरी लेते हैं एंड इतना उड़ते हैं। तुम लोग सब साले केले लोग, बाहर चलो, सब बाहर चलो। अरे तू किधर जा रहा है? मैं किससे बात करे या फिर खुद से बात करूं? हे लाला, ऐसा बात करूं मैं खुद से? सॉरी, इधर नहीं, इधर 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 ही हूं मैं। सॉरी लाला। लाला तेरे को पता ना, मैंने आज तक कभी कोई लेबल साइन क्यों नहीं किया। अंगूठा छाप? हाँ, पॉइंट। एक कान के नीचे छापूंगा। वैसे छापने से याद है, वो केंड्रिक वाला कपड़े आ चुका है जो आपको नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में पहनने। हाँ लाला, चल चल। ए, छापना क्या होता है? इंस्पिरेशन बोलते हैं उसको। ये मेरा कंट्रीब्यूशन देश के अगले 5 सालों की बर्बाद। हेलो बॉस, दिस इज मैनी पलांडे, आई एम हियर टू मेक योर डे। लास्ट वीडियो की बात छोड़ो, आजकल तो सारे वीडियोस पे व्यूज आने लगे एंड तारीफ होने लगी है, एंड वो वाली तारीफ फाइनली यूट्यूब को दिख गई इतने सालों के मेहनत के बाद। तो माय चैनल इज फाइनली फुल्ली मोनेटाइज, एंड उसका मतलब ये है कि मेरे वीडियोस पे अब से एड्स आएंगे। तो तुम्हारे भाई के लिए वो सारे एड्स देख लेना, क्योंकि कुल मिला कि मेरी एस्टिमेटेड रेवेन्यू 23 रुपए है। एंड ये जब मैंने अपने बाप को बोला तो वो बोला उससे अच्छा तू रेलवे पर कटोरा ले। बट कोई बात नहीं, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी कभार जा सकते। तो भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। अंधेर तो उनके घर पे रहता है जो लोग गांव में रहते हैं। इतने सारे लोग गांव में? तो ये साल काफी लफड़ों से भरा है। कोई उंगली करके मिलने को बुलाया तो वो पहला गया, एंड फिर भाई बन रहे, एंड जो भाई बन रहे फिर वो पहला गया। तो भाई जहाँ पे लफड़ा वहाँ पे एमवे, जहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात वहाँ पे एमवे, जहाँ पे आंटी वहाँ पे एमवे। तो जिनको नहीं पता क्या हुआ, एमवे भाई हमेशा स्टैंड लेता हुआ आया है इंडिपेंडेंट सीन के लिए। नॉन हिप हॉप फैंस को बता दूं आसान भाषा में, जैसे विराट स्टैंड लेते हुए आया है आरसीबी का, जैसे सलमान भाई स्टैंड लेते हुए आया है अपकमिंग हीरोइंस का। वो अलग बात है, सलमान भाई का स्टैंड लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वन नाइट स्टैंड से याद आया, अरे रफ्तार भाई एल्बम कब आया? हाँ तो कमिंग बैक टू एमवे बनता है, वैसे भी कुछ लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट सीन इट्स बेसिकली, तो रैपर्स दो तरीके से पैसे कमाते हैं, सब रैपर्स नहीं कमाते। एक जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो इंडिपेंडेंटली सारा खर्चा उठा के पूरे गाने का एंड फिर अपने यूट्यूब चैनल पर डालेगा, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। एंड दूसरे लेबल्स पर साइन होने वाले रैपर्स, जहां पे लेबल स्पेंड देयर मनी ऑन म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन से लेके सब कुछ, एंड बदले में आर्टिस्ट के प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अपने तरफ रख लेना। पंटा रिकॉर्ड्स वाले आजकल क्या रख रहे पता? तो फिर रिसेंटली किंग भाई ने अपने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बोला, लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर हॉक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है। अरे किंग भाई, ये सब हॉक्स है? नहीं, मैं इस बात से शॉक नहीं हूँ, मैं इस बात से शॉक हूँ कि हॉक्स इंग्लिश वर्ड है एंड किंग भाई की इंग्लिश तो। I'm representing Indian music right now. Yeah, and I'm या और ये नहीं होता तो ये इंटरव्यू 2 सेकंड में खत्म हो जाता, जैसे कुछ लोगों का करियर चालू होते ही खत्म हो गया। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए ये हॉक्स क्रिएट कर दिया। नहीं, मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। अगर आपका काम बोलता है तो आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो जाते हो, मेरा काम शायद से गूंगा हो। मार्केट में विदाउट काम के आप कितना भी हॉक्स या फिर अफवाह फैला दो, आप चलने ही नहीं वाले हो, कितना भी ट्राई कर लो। चल चल के दिखा, वेदर यू आर इंडिपेंडेंट या फिर लेबल का कोई आर्टिस्ट हो, आप इवेंचुअली नहीं चलोगे। मुफाड़ भाई बिग बॉस जाने का ट्राई। एंड बंटा का पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि अगर आपको काम में बिलीव है खुद के, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ए, बीफ से दोनों का फायदा हुआ था, समझा ना? बंटाई ने सहारा नहीं लिया कभी। ओए, बोलना क्या चाहते हो? बंटाई बस डिस्क की वजह से चलता है, इसका मतलब ये है कि अक्सर गाना अंडररेटेड। अब जरा मजाक को साइड में रखते हैं। ए रॉप्सी, तेरे गाने हटा। एंड किंग की बातों पर आते हैं। वेल, किंग अपनी जगह सही था, बस उसको किसी और की बिलीफ को गलत नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का अपना जोन होता है काम करने का। बंटाई का सोलो जोन है, डिवाइन का एल्बम वाला जोन है, रफ्तार का नो लैंड जोन है। हाँ बराबर है, जोन का क्या फायदा जब काम ही नहीं कर रहे हो? क्या रफ्तार भाई एल्बम डिलीट कर दिया क्या? मैं शादी की एल्बम की बात। तो किंग भाई डोंट डिसरिस्पेक्ट किसी और का बिलीफ, क्योंकि बंटा इज द ओनली वन इन द इंडस्ट्री जो बिना सहारे के आ गया है, एंड सहारा कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको मालूम ही है। आप फिर लेबल को वो करते हो कि लोग हमें शायद हीरो समझेंगे अगर हम देखेंगे कि हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लड़ने की जरूरत ही क्या है, बात ही क्या है जब सब चीज आपके फेवर में काम हो रही है। तो किंग भाई, अगर सब चीज आर्टिस्ट के फेवर में वर्क करती होती तो इतने सारे आर्टिस्ट अपना लेबल क्यों छोड़ रहे होते, स्पेशली आपके बड़े भाई के लेबल से, जहाँ पे एक आर्टिस्ट को सुसाइड तक की नौबत आ गई थी। सिंपल बात है, जहाँ पे आपका काम का रिस्पेक्ट होगा एंड आपके काम को उतना डिजर्विंग पैसा मिलेगा, आप वही रास्ता चुनेंगे, या तो इंडिपेंडेंट या तो लेबल। एंड एमवे ने ये हर टाइम बोला कि दैट ही इज नॉट अगेंस्ट गेटिंग साइन अंडर ए लेबल, ही इज जस्ट अगेंस्ट हु इज गेटिंग मोर फेमस। एंड एमवे का विजन क्लियर है, दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। एमवे को उन आर्टिस्टों का इंस्पिरेशन बनना है जिनको लगता है उनको किसी के सहारे की जरूरत है, कोई उठा लेगा, कोई साइन कर लेगा। बाकी किंग ने भी बैक इन द डे काफी इंडिपेंडेंटली गाने डाले, अगर वो गाने चल जाते तो कभी हसल जाने की नौबत ही नहीं आती।
बट कुछ भी बोलो, इस बीफ के बाद एमवीवे एंड किंग के फैन आपस में मस्त भिड़ रहे हैं। मचाएंगे तुमन मेरी जान। ए लाला, वो देख किंग का फैन, ए रफ्तार की कोटी, वही तूने मुंह में लिया था ना फेम के लिए। ज्यादा बोल रहा है, केले पाओ। फेम के लिए तेरे जैसा हसल में जाके मुजरा नहीं किया, क्योंकि तेरे को तो इंडस कॉट टैलेंट में जाके छपरी गिरी कर रहा था। ए लाला ज्यादा बोल रहा, ये केले केला खा के केला हटा रहा। तू ज्यादा बोल रहा है, तू ज्यादा बोल रहा है अभी। छपरी उपरी क्या बोल रहा है बे, कौन सा एंगल से छपरी लगता उधर को। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरे को तो अनपढ़ बोलने का था। मान मेरी जान, तेरी मारूंगा अब गा। तो भाई 100 बात के एक बात, अगर आपका काम अच्छा है तो आप चलोगे मार्केट में, नहीं अच्छा है तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होना या फिर लेबल का आर्टिस्ट होना, दोनों के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है। एंड मैं पर्सनली नहीं चाहता कि इन दोनों का बीफ हो, क्योंकि दोनों भी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। एंड मेरे को टू बी रियली ऑनेस्ट इनका कोलैबोरेशन देखना था, स्पेशली मेरे को एमवीवी का लोफाई वाला जोन बहुत पसंद है, बट शायद ही कभी अभी सुनने को मिले। बट नेवरदलेस ये सबको एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखना, दादा इन्वॉल्व होके पर्सनल होके भिड़ने की जरूरत नहीं है। फैंस लोग की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग ऑलरेडी अपना करियर बना चुके हैं, तुम्हारा करियर बनना अभी बाकी है, तो फोकस ऑन दैट। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ये वीडियो बस एक मजाक था। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। एंड ये जो मेरे स्क्रीन पे आ रही है, मेरे पुराने रोस्ट वीडियो से आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप देख लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इंडिपेंडेंट टॉक।